बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। Veteran Bollywood actor Rishi Kapoor is no more. बीस कई मायनों में बहुत टफ रहा। जब जब बुरा वक्त आया तो लगा 2021 कब आएगा। बॉलीवुड के लिए भी ये दौर बहुत मुश्किलों भरा रहा। कई सितारे बॉलीवुड के आसमान से टूट गए, कई सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर से लेकर सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान सरीखे सितारों ने इस दुनिया को गुड बाय कह दिया। लेकिन इन सितारों ने अपने अभिनय से, अपने काम से हमेशा ही अपने फैंस के दिल में ऐसी जगह बनाई कि न भुला पाना नामुमकिन है। तो चलिए करते हैं इन्हीं सितारों को याद। साल 2020 कोरोना वायरस के चलते हमेशा ही जहन में रहेगा। ये साल पूरी दुनिया के लिए मुश्किलों भरा रहा और इससे बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। एक तरफ बॉलीवुड को कोरोना काल में भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा, तो दूसरी तरफ इस साल ने बॉलीवुड से उसके बेहतरीन कलाकारों को भी छीन लिया। सुशांत से लेकर ऋषि कपूर और इरफान खान सरीखे कलाकार इस साल दुनिया को अलविदा कह गए और अपने चाहने वालों के लिए अपने पीछे छोड़ गए बेहतरीन फिल्मों की विरासत और ढेरों यादें। इन कलाकारों की कमी हमेशा खलेगी। 14 जून 2020 को जब ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे, तब से लेकर अब तक सुशांत के फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। महज 34 साल की उम्र में सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जो बॉलीवुड के लिए एक बड़े झटके की तरह रहा। पहले टीवी पर नाम कमाने के बाद सुशांत ने फिल्म कायपोचे के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। सुशांत ने अपने छोटे से करियर में कई यादगार रोल निभाए। करीब 5 दशक तक अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड की दुनिया को गुलजार करने वाले ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरा नाम जोकर से बतौर बाल कलाकार बॉलीवुड में कदम रखने वाले ऋषि कपूर ने बड़े पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाए और उनकी गिनती हमेशा ही देश के सबसे उम्दा कलाकारों में होती रही। ऋषि कपूर ने लंबे समय तक कैंसर से जंग लड़ी थी। बोलती आंखों वाले एक्टर के नाम से मशहूर इरफान खान इसी साल 29 अप्रैल को इस दुनिया से चले गए। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी इरफान ने खूब नाम कमाया था। कैंसर से 1 साल तक जंग लड़ने के बाद इरफान खान दुनिया से चल बसे। इरफान खान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रही, जिसमें उनके साथ राधिका मदान और करीना कपूर मुख्य भूमिका में नजर आई थी। मास्टर जी नाम से सभी के बीच लोकप्रिय सरोज खान ने साल 2020 में अंतिम सांस ली। माधुरी से लेकर करीना और न जाने कितने बड़े सितारों को डांस सिखाने वाली बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट की वजह से 3 जुलाई 2020 को निधन हो गया था। वह 71 की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। सरोज खान को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक से एक बेहतरीन गानों के साथ बॉलीवुड फिल्मों को गुलजार करने वाले मशहूर संगीतकार वाजिद खान भी उन हस्तियों में से हैं, जिन्होंने साल 2020 में दुनिया को अलविदा कहा। 43 की उम्र में 1 जून 2020 को उनका निधन हो गया।
वाजिद खान को किडनी से जुड़ी परेशानी थी जिसे लेकर वह अस्पताल में भर्ती थे। बेहतरीन फिल्में और यादगार का भला इन सितारों को कोई कैसे भूल सकता है। सिने जगत इन्हें हमेशा सलाम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी सारी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जी हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिएगा।